नेशनल हाईवे पर स्थित पिपली के पास एक प्राइवेट लग्जरी बस में लगी आग, एक सवारी की जलकर हुई मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल। प्राइवेट बस दिल्ली से जम्मू जा रही थी, जैसे ही बस पिपली के पास पहुंची तो ड्राइवर को नींद आने के कारण बस जीटी रोड के बीच में बने डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे बस में आग लग गई और सवारियों ने हड़बड़ाहट में मौका पाकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में एक सवारी जिंदा जल गई, कई लोगों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बस के अंदर सवारियों का रखा सामान जलकर राख हो गया। घायल व्यक्तियों का कुरुक्षेत्र सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपने कब? 2 बजे आया। अच्छा जी। हम काम कर रहे थे। अच्छा, क्या बात है, हम देखने आए। अच्छा, इसमें आग लगी एकदम हाई बस को देखोगे भाई, हम देखा तो आज के पास गए नहीं है, इसमें आदमी गए बहुत, उनकी मदद करी मैंने। अच्छा, बहुत हम बगाई पानी के लिए इनको बगाया पानी, बाद में बीच में एक जनानी थी वो फूकी टाइम पे। अच्छा, कई बच्चे थे वो दब गए इसके अंदर, वो बाद में करैन आई तो उसने निकाले बच्चे, बाद में मरना बहुत ज़्यादा।